WWE की वो खतरनाक आंखें और जोरदार पंच जो किसी को भी धूल चटा दे। ऐसा रेसलर जिसका हर अंदाज रहस्य से भरा था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग उन्हें पसंद करते थे। मैं बात कर रहा हूँ अंडरटेकर की। नाम ऐसा जो मौत की याद दिला दे। जिस दौर में रेसलर्स अपने साथ हसीनाओं को रखते थे, अंडरटेकर ताबूत में से निकलते थे। अपने करियर में अंडरटेकर ने ऐसी कई यादें दी है जिन्हें उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। मर के जिंदा हो जाना, कब्र में से सीधे रिंग में एंट्री करना, ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके लिए फेमस है। कुछ ऐसी कहानियां भी है जो उनके करीबी ही जानते हैं। चलो जानते हैं इनके बारे में ऐसे ही कुछ अनसुने किस्से। अंडरटेकर का नाम मार्क विलियम केलावे है। इनका जन्म 24 मार्च 1965 में हुआ था। ये टेक्सास की ह्यूस्टन शहर में पले बढ़े। इनके पिता की मौत 2003 में हो गई थी। ये अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। अंडरटेकर रेसलिंग से पहले भी चर्चा में रहते थे। वे स्कूल और कॉलेज के समय एक्टिव फुटबॉल प्लेयर थे। उन्होंने अपना रेसलिंग करियर सन 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ शुरू किया। जब अंडरटेकर ने पहली बार रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो वो अपनी पहली ही फाइट ब्रूसर बॉडी से हार गए थे। लेकिन उसके बाद ब्रूसर बॉडी कभी अंडरटेकर को हरा नहीं पाए। अंडरटेकर इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने लगातार 21 WWE टूर्नामेंट जीते हैं। इसके अलावा अंडरटेकर ने दिसंबर 1991 से लेकर सितंबर 1993 तक बिना मैच हारे 3 खिताब हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अंडरटेकर की एंट्री भी बहुत ही आकर्षित होती थी। एंट्री होते ही अंधेरा, नीली रोशनी में डरावने घंटे की आवाज इसे बहुत ही रहस्यमय बनाता था। अंडरटेकर WWE की फाइट के दौरान कई बार कोमा में जा चुके हैं, लेकिन मौत को पीछे छोड़ हुए फिर से रिंग में खड़े नजर आते थे। इस वजह से इन्हें मरकर जिंदा होने वाला और डेथमैन कहा गया। एक बार की बात है, अंडरटेकर और मोंटाया प्लेन से कहीं जा रहे थे। प्लेन में बैठने से पहले अंडरटेकर ने मोंटाया को चिपके से एसिड दे दिया था। प्लेन में बैठने के बाद मोंटाया को अजीब सा लगने लगा। अंडरटेकर उनके पीछे ही बैठे थे, वे समझ गए और मोंटाया की ओर देखकर बिल्ली जैसी शक्ल बनाने लगे। तब से उनका ये सिग्नेचर फेमस हो गया। इसके बाद से वे फाइट में हारने वाले के ऊपर चढ़कर बिल्ली जैसी शक्ल बनाने लगे। अंडरटेकर को फैंस द्वारा कई निकनेम दिए गए हैं। अंडरटेकर ने कई हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। इन्होंने सन 1989 में जोडी लिन से शादी की। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद इनका उनसे तलाक हो गया, जिसके बाद इन्होंने 2000 में सारा फ्रैंक से शादी की, जिससे इनका तलाक 2007 में हो गया। इसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सर मिशेल ली से शादी की। इसके बाद अब ये सफल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। अंडरटेकर के 4 बच्चे हैं, लेकिन अब ना ही रिंग में अंधेरा होगा और ना ही डेथमैन की एंट्री होगी। अंडरटेकर ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल देखना चाहोगे।